घाटी कश्मीर में हाइब्रिड आतंकी लगातार आतंक मचाए हुए हैं और इस समय की अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो वो घाटी कश्मीर से आ रही है, जहां पर अज्ञात आतंकवादियों द्वारा एक सिविलियन और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर अटैक किया गया। और सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, और दोनों ही अगर हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें और सिविलियन की बात करें, दोनों की ही जो है वो मौत हो चुकी है। इस पर पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन के संवाददाता राजा सज्जाद हैं। जी राजा सज्जाद, क्या जानकारी है? देखिए रोमित, मैं आपको बता दूं कि ये 30 मिनट के अंदर अंदर जो है कश्मीर में दो ऐसे मिलिटेंट हमले देखने को मिले हैं। एक मिलिटेंट हमला जो है वो श्रीनगर के जो ईदगाह इलाके में हुआ, नवाकदल में हुआ, जो कि एक सिविलियन पे मिलिटेंटों की तरफ से गोलियां बरसाई गई। और उसी के साथ साथ 10 से 15 मिनट के बाद ही जो है साउथ कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहारा में जो है एक एएसआई को भी जो है मिलिटेंटों ने निशाना बनाया और गोलियों से जो है उसके जो है छाती पे गोलियां लगाकर उसको जो है जख्मी हालत में रखा और उसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल मुंतकल किया, जहां हमारी सूत्रों की जानकारी से हमें मिल रही है तो दोनों जो है हॉस्पिटल में उनको जो है इलाज मुआवजा के लिए भेजा गया। उसके बाद जो है हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एएसआई जो कि मोहम्मद अशरफ के नाम से जो है एएसआई अवंतीपोरा का रहने वाला था, और रूफ अहमद भट्ट जो कि नवाकदल में जिसपे जो है मिलिटेंटों ने गोलियां बरसाई, वो भी जो है ईदगाह श्रीनगर से वो ताल्लुक रखते थे। इनके जो है दोनों की हमारे पास सूत्रों से खबर आ रही है कि दोनों की जो है मौत वाका हुई। अगर जो हम रूफ अहमद की बात करेंगे, उसकी जो है एसएमएचएस में उनको मुंतकल किया गया, उसके बाद जो है वहां से खबर आ रही है कि उसने जो है दम तोड़ दिया है। अगर हम साउथ कश्मीर की बिजबिहारा की बात करेंगे, जहां पर एएसआई पर हमला किया गया, उसको जो है हॉस्पिटल मुंतकल किया गया, वहां पे भी जो है उसने जो है दम तोड़ दिया है। ये हमारे सूत्रों से खबर मिल रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक जो है इस पे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शो नहीं किया है। जी रोमित, राज्य सज्जाद, अगर हम बात करें कि क्या उन अज्ञात आतंकवादियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितने थे और क्या आइडेंटिफिकेशन हुई है, अभी तक कोई जानकारी निकल कर सामने आ रही है उनके रिलेटेड? देखिए रिमित, वो हाँ, ये अभी तक नहीं हुआ कि किस मिलिटेंट की तंजीम ने जो है ये हमला किया। और हम पहले यही बताएंगे कि ये हमले जो है अभी 30 मिनट के अंदर अंदर जो है देखने को मिले, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि पुलिस सीआरपीएफ और एसओजी ने जो है पूरे इलाके में जो है इस वक्त कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया, पूरे एंट्री एग्जिट पोल्स को जो है सील किया, चाहे हम नवाकदल की बात करें या फिर हम अनंतनाग के बिजबिहारा की बात करेंगे, दोनों जगह पर जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स गाड़ियों को रोक रहा है और तलाशी कार्रवाई पूरे इलाकों में जो है इस वक्त चल रही है। रोमित, मैं आपको बता दूं, ये हर दिन हमें जो है देखने को मिल रहा है कश्मीर में कि ऐसे हमले होते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो है चैलेंज दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। जी रोमित। जी राजा सज्जाद, अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले तक जो सिविलियन किलिंग थी वो घाटी कश्मीर में देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर जो है सिविलियन किलिंग घाटी कश्मीर में देखने को मिल रही है, तो अगर हम इस समय घाटी कश्मीर की सूरत हाल की बात करें तो वो किस तरह के हैं? देखिए रोमित, अगर हम कल की बात करेंगे तो कल भी जो है हमें ऐसे ही जो है हमले श्रीनगर में देखने को मिले, जहां पर हजरतबल में जो है कल एक सीआरपीएफ की पार्टी पे हमला, मिलिटेंटों की तरफ से आल्टो गाड़ी में मिलिटेंट जो है थे वो उन्होंने हमला किया, और आज जो है कुछ शाम के वक्त जो है मिलिटेंटों ने ऐसे रूफ अहमद सिविलियन पे हमला किया जो कि इस वक्त जो है दम तोड़ बैठा। वहीं पर अगर हम श्रीनगर के साथ साथ कुछ ही मिनटों के बाद जो है ये अटैक जो देखने को के बाद जो है श्रीनगर के बाद अनंतनाग में ऐसा हमला होना और बिजबिहारा में ये हमला हो, एएसआई पे हमला होना, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो है टफ सा चैलेंज बन रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस अभी जो है अपनी तरफ से जो है पूरे इलाकों में जो इन इस टाइम सर्च ऑपरेशन लगाई हुई है और मिलिटेंट्स को जो है पूरी तरीके से जो है इस वक्त ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और देखेंगे अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, या चाहे हम आईजीपी कश्मीर की बात करेंगे, उसकी तरफ से जो है अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है, और आईजीपी जो है इसके मतलब जो है कुछ ना कुछ बताएंगे, हम जो है दर्शकों को पहुंचाएंगे। जी रोमित, बहुत बहुत शुक्रिया राजा सज्जाद आपका हमें जानकारी देने के लिए।
तो इस समय की अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो वो घाटी कश्मीर से आ रही है, जहां पर अज्ञात आतंकवादियों द्वारा एक सिविलियन पर अटैक किया गया है जिसकी मौत हो चुकी है, और दूसरा अटैक चंद ही मिनटों में जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर किया गया है बिजबिहाड़ा में, और जिनकी भी बताया जा रहा है जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उनकी भी मौत हो चुकी है। लगभग 4 गोलियाँ जो है वो अज्ञात आतंकवादियों द्वारा जो है वो उन पर दागी गई थी, और अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबिहाड़ा में शिफ्ट किया गया था। जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि उनकी मौत हो चुकी है। सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो मोहम्मद अशरफ उनका नाम बताया जा रहा है। लगभग 4 जो गोलियां हैं वो अज्ञात आतंकवादियों द्वारा जो है उनके छाती पे दागी गई थी, और दूसरी जो सिविलियन पर भी अज्ञात आतंकवादियों द्वारा जो है वो अटैक किया गया है। नवा कदल जो एरिया है वो बताया जा रहा है। रौफ अहमद खान उनका नाम बताया जा रहा है, सन ऑफ मोहम्मद शफी खान।